वेलकम टू माई चैनल ऑन इंडियन मैरिनर्स गेम्स। मैंने इंडियन रूम का फुल वीडियो बनाया है, इंडियन रूम का फुल टूर और एक शिप का इंडियन रूम कैसा दिखता है। जो इंटरेस्टेड है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को देखो, अगर पसंद आए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। तो क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और बनाऊँगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो मेरा चैनल। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लेट्स स्टार्ट। है मेन एसी एयर कंडीशनर, जो कि पूरे एकोमोडेशन को कूलिंग रखता है, सबके केबिन को हर एक जगह पे मतलब कूलिंग का काम करता है ये एयर कंडीशनर, जो कि आपको हर एक शिप पे मिलेगा। ये कि नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एक ही शिप पे, सबको ये सब कॉमन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो कि हर एक शिप पे रहती है। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि सबको जानकारी मिले, जो कि खासकर ये वीडियो उनको काम आने वाला है जो कि ज्वाइनर है, जो कि न्यू ज्वाइनिंग वाले ग्रुप में, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं करेगा ये वीडियो। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखो अंत तक, लास्ट तक देखो। अभी हम लोग चलते हैं ये स्टीयरिंग गियर में। स्टीयरिंग गियर आपको पता है, ये में आपको ले सकते हैं। ये देखिए, ये हर एक शिप पे सेम होता है, कोई मतलब बदलाव नहीं है। स्टीयरिंग गियर है, पैनल स्टीयरिंग गियर का, स्टीयरिंग गियर है उनका। नेक्स्ट चलते हैं जनरेटर पर। नेक्स्ट क्या है, बॉयलर है, बॉयलर पे चलते हैं। बॉयलर का पैनल दिखाते हैं, बॉयलर का पैनल कैसे होता है। सब मेन बॉयलर का पैनल है ये, जो कि उसको स्टार्ट करते हैं। फिर दो टाइप होता है, एक जब शीट से उठा लेती है बॉयलर, ये देखिए बॉयलर स्टीम आपको बनाता है, स्टीम से आपके टैंक में जाता है, टैंक HFO जो होता है, HFO को ये करता है। तो ये आते हैं जनरेटर प्लेटफॉर्म पे, ये एग्जॉस्ट इसका मेन इंजन का, जो कि एक मेन इंजन से भी स्टीम का ये आपके तीनों जनरेटर्स हैं। तीन जनरेटर का हर एक शिप पे आपको लगभग दो जनरेटर या तीन जनरेटर मिल जाएंगे, जो कि एक इमरजेंसी भी होता है। ये आपका सेवेज ट्रीटमेंट कंट्रोल पैनल, जो कि आप जैसा यूज़ करते हो, बाथरूम यूज़ करते हो आप, पानी वगैरह वेस्ट पानी जो है वाटर वो सब जाता है सीवेज ट्रीटमेंट के ज़रिए। और ये है आपका जनरेटर, तीन जनरेटर है, जो कि आपको पता ही है जनरेटर्स क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिक का, तो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं ये पूरे ऑल ओवर बोर्ड, हर एक जगह पे आपको इलेक्ट्रिक का। इसके बाद चलते हैं, ये मेन इंजन है आपका जनरेटर का, पावर 300 किलोवाट, 300 पावर का जनरेटर है, लोड इसका 300 किलोवाट जा सकता है इसकी कैपेसिटी। हर एक सिप पे ही होता है, कभी किसी दो जनरेटर, तीन जनरेटर, नहीं तो फिर एक इमरजेंसी। और ये आ गया आपका एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर आपको पता है एयर को सक्शन करता है और एक बोतल में कलेक्ट करता है। ये आपके दो एयर कंप्रेसर होते हैं, नंबर वन नंबर टू, जो कि स्टार्टिंग एयर कंप्रेसर नंबर वन नंबर टू नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या नाम है ये आपको, ये एयर बोतल, जिसमें एयर बोतल में हेल्प करते हैं, मेन इंजन स्टार्टिंग के लिए बहुत काम देता है और बाकी बहुत से काम भी एयर का काम पड़ता है। तो एयर प्रेशर से मतलब चीज़ बहुत चीज़ें होती हैं, वो
बोल्ट टाइट करना, ये सब, ये है प्योरीफायर ब्लोक आपका प्योरीफायर। ये आपका है डीजल ऑयल डीओ प्योरीफायर, जो कि डीजल ऑयल का प्योरीफायर है। इस पर हर एक चीज़ पे आपको मिलेगा सेम, यही बेसिक चीज़ आपको, मतलब मेन मेन चीज़ें जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब। ये आपका ये चफ हैवी फ्यूल ऑयल प्योरीफायर है, जो कि बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टर्स हैं, जो जिनको मैचने भी ज्वाइन करना है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। तो इसको देखें जरूर, देखें लास्ट तक, देखो इसको पूरा देखो वीडियो। ये मेन इंजन है आपका, मेन इंजन पता ही, मेन इंजन का क्या काम होता है, मेन इंजन का काम होता है प्रोपल्शन का काम होता है, पावर प्रोड्यूस करता है प्रोपल्शन के लिए, जिससे शिप आगे बढ़ता है। शाफ्ट इसका घूमता है, प्रोपेलर इसका, प्रोपेलर से शिप आगे जाता है। फिर मेन इंजन इसका कैपेसिटी, इसका पावर, इसका लोड कितना, इसका 4440 किलोवाट का है। ये लूब ऑयल प्योरीफायर है, और ये है आपका बिल्ज सेपरेटर, जो कि बिल्ज वाटर सेपरेटर सेपरेट करता है, मतलब उसको बिल्ज। और ये सब आपका फीड वाटर पंप और फ्रेश वाटर पंप है। ये हेड, ये लूब ऑयल स्ट्रेमर सेकंड फिल्टर मैंने लिया जाता है। स्ट्रेमर ये रहा लूब ऑयल के लिए फिल्ट्रेशन का काम करता है। फ्रेश वाटर सब कूलिंग का काम करता है सब फ्रेश वाटर। हम लोग जो अपने छोटे छोटे वेल है वो सब, उन सब में भी देखो वाटर जो है इनलेट आउटलेट होता रहता है, वैसे ही सेम सेम यही सब प्रोसेस है। ये पंप दो साइड होते हैं, स्टारबोर्ड साइड पोर्ट साइड, वो आपका सी चेस्ट था स्टारबोर्ड साइड बड़ा वाल्व का। ये देखिए पोर्ट साइड स्टारबोर्ड साइड ये दोनों, ये पोर्ट साइड का है, ये भी सी चेस्ट है इधर छोटा वाला बड़ा वाला वाल्व। और ये पंप्स है डीजल ऑयल पंप, फ्यूल ऑयल पंप, ये सब। और बिल्ज पंप होता है छोटा, बिल्ज पंप मीन्स स्लग पंप सॉरी। और ये ऑक्सिलरी इंजन मीन्स जनरेटर इंजन का कूलिंग वाटर पंप, सी वाटर पंप, सी वाटर करके